हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे आ चुके हो, छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला देखिए, स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एसीन कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसरो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे, सारे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इनके फुल फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, तो दो तरीके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, पहला संगठन और इसके मुख्यालय और दूसरे फुल फॉर्म्स टॉप 40 कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को PDF आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल में डेली अब प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। UNEP क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है आपका अफ्रीकी एकता संगठन OAU क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इसका जो मुख्यालय है वो है अदिस अबाबा में। इसके बाद है थर्ड नंबर, है थर्ड नंबर गैट, गैट का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, और गैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय वो है मनीला में। फिफ्थ नंबर है नाटो, नाटो का जो मुख्यालय वो है ब्रसेल्स में, और नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेवन नंबर देखिए, सॉरी सिक्स नंबर है आपका एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है। सेवन नंबर देखिए, संदर्भ सेवन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। एट नंबर है रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय वो जेनेवा में है। नाइन्थ नंबर देखें, नाइन नंबर है सार्क, सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, टेंथ नंबर देखिए इंटरपोल, इंपॉर्टेंट है इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है आपका पेरिस के लियोन्स में, और इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिश ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 11 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, और WTO का फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है अमेरिकी राज्यों का संगठन, अमेरिकी राज्यों का संगठन, इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में। 13 नंबर है यूनेस्को, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में। 14 नंबर है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कॉमेकोन, और इसका जो मुख्यालय है वो है मॉस्को में, और कॉमेकोन का मैं वो आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, कॉमेकोन का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC जिनेवा, इसका जो क्या बोलते हैं मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है, और फुल फॉर्म इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर है, 16 नंबर है यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, इसका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और इसका EEC का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 18 नंबर देखिए, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA, इसका मुख्यालय आपका बगदाद में है, और ECWA का फुल फॉर्म होता है इवेंगेलिकल चर्च विनिंग ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज शरणार्थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर है, 20 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में, और IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 21 देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, यूनिडो का जो मुख्यालय वो है वियना में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 22 देखिए, 22 नंबर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है,
और इसका जो फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर 22, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद है 23 है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, ये आपका इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। और WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड फंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंटरनेशनल सॉरी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फुल फॉर्म, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 25 नंबर, यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, 25 ECM, यूरोपीय कॉमन मार्केट मतलब यूरोपियन कॉमन मार्केट, ECM का फुल फॉर्म हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। लगभग आपको इस वीडियो में आपको जिनेवा या फिर वियना जरूर देखने को मिले होंगे, तो इनको अलग से आप नोट डाउन कर लेना कि जिनेवा में किन किन के हेडक्वार्टर हैं और वियना में किन किन के हेडक्वार्टर हैं, याद करने में आसानी होगी। 26 नंबर है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM का जो मुख्यालय वो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्सबर्ग, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। 27 नंबर है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपेक बोलते हैं इसको, और इसका जो हेडक्वार्टर वो वियना में है। और ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। 28 नंबर देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का जो मुख्यालय वो पेरिस में है, और OECD होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 29 नंबर है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA, ये आपका जिनेवा में है इसका मुख्यालय, और ECTA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कंपिटिटिव टेली कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में है, और EEC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 32 नंबर देखिए यूरोपीय संसद, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लग्जमबर्ग में है। और नेक्स्ट है 33 है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, आपको पता होगा पेरिस में इसका, और पूछा जा चुका काफ़ी बार एग्जाम की इसरो का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस पे है, ठीक है। 34 नंबर है आपका यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरेशन बोलते हैं, और ये ब्रसल्स में है। यूरेशन का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, यूरेशन नहीं पढ़ते बाय द वे, इसको यूरेटन पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं EAEC, इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, बैंकॉक में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर है अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA, ECA का फुल फॉर्म ऑलरेडी शायद बता चुका, नहीं बताया, ECA अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसका जो मुख्यालय वो है अदिस अबाबा में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेंबल्ड, ठीक है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेंबल्ड। नेक्स्ट है 37 नंबर है विश्व बैंक, विश्व बैंक का जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो Washington DC में। और इसके बाद है 38 है अरब लीग, अरब लीग का कायरा में है। 39 देख लीजिए दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ एसीन जकार्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसीन का फुल फॉर्म जाने कितनी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 39 थे, कंप्लीट करा दिए। तो बस यार इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना अंकित सिंह 38 और खुल के आ जाएगा, उस पर आप जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको डेली स्टडी मटेरियल मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी, टेलीग्राम, जहाँ भी आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर,
बाय।